इसीलिए एनएफसी अवार्ड के तहत उनको पैसे दिए जाते हैं। और फेडरेशन में आपने ये जो डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन की हुई है, इसकी वजह से अवाम के पैसे जा रहे हैं, वो अवाम जिसका आप जिससे आप पैसे लेके जिस अवाम का खून चूस रहे हैं आप, जिस अवाम के चीथड़े आप नोच रहे हैं उनको टैक्सेस लगा के, और वो इस किस्म के डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स जिनका कोई आउटपुट नहीं है, माजरत के साथ जिन दे हैव नथिंग टू शो, एंड व्हाई आर दे एग्जिस्टिंग? सिर्फ नौकरियां देने के लिए, सिर्फ गाड़ियां लेने के लिए, सिर्फ एसीज लगाने के लिए। मेरी बहुत माजरत है मगर पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं है, और हमें अब जो चीज़ें ख़त्म हुई नहीं हैं आइनी तौर पर कानूनी तौर पे, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, और हमारी कमेटी का काम ही है। मैडम ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि कोई 17 वज़ारतों की निशानदेही हो रही है विफाक में, आपने ज़रूरी आइनी तौर पे ये सारे इशू देखा होगा 18 तारीख में, कितनी वजारतें हैं जो विफाक में जिक्र करी है जिनको सुबह में मुंतकिल होना चाहिए था? देखिए जी 18-17 से बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि इधर तो दर पर्दा बहुत सी चीज़ें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, हमें नीड को देखना है, बात इस चीज को आचार के बाद उसके बाद मैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहा हूं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ड्रग सब्जेक्ट उसमें आर्टिकल 144 में ये है कि एक साथ एक या एक से ज्यादा अगर सूबा जो है वो रेजोल्यूशन पास करता है तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन उसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि वो सूबा कभी भी अगर एक्सटेंड ऑफ दैट प्रोविंस उस पार्लियामेंट की बनाई हुई लेजिस्लेशन को रिपीट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, रिपीट कर सकता है। तो दिस बात अच्छा सर, आज आपने एतराज उठाया है वज़ारत कौमी सेहत के ऊपर, किन किन शोबों के ऊपर आपने जो ब्रीफिंग दी है? देखिए ये 18th Amendment के तहत इम्प्लीमेंटेशन कमीशन मिली थी, बनी थी, एडेड बाय सेनेटर रजा रब्बानी, और उन्होंने डिवाल्व की थी ये मिनिस्ट्रीज और फेडरल गवर्नमेंट में एजुकेशन एंड हेल्थ की मिनिस्ट्री अबॉलिश की गई थी। इन्होंने दोबारा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस की वायोलेशन करके ये मिनिस्ट्रीज बनाई है, जो टैक्स पेयर्स पर बर्डन है कि सूबाई सब्जेक्ट पर जो है वो आपने मिनिस्ट्रीज बनाई है, और मुख्तलिफ जो है वो एक्सक्यूज लेके कि ये कोआर्डिनेशन करेंगे। कोआर्डिनेशन का सब्जेक्ट जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, कोऑर्डिनेशन उधर होनी है और कोई किसी फोरम पर नहीं होनी है, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये हम आईन के तहत ये समझते हैं कि ये दोनों मिनिस्ट्रीज फेडरल गवर्नमेंट में प्रिंसिपली नहीं होने चाहिए, ये इस कमेटी का कंसीडर। अच्छा, पीएमडीसी ड्रैप और दीगर जो इदारे हैं उनके हवाले से आपने क्या? पीएमडीसी जो है वो आता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की डोमेन में, वो उसके पास जाना चाहिए, उसकी परमानेंट सेक्रेटरीट है, वो उसके हवाले किया जाएगा। और स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन जो है वो सीसीआई का सब्जेक्ट है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में है, वो सीसीआई को जाना चाहिए। वो ड्रैप जो है वो ड्रैप किसी और जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले किया, क्योंकि ड्रैप की जो हुई थी लेजिस्लेशन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंस ने रेजोल्यूशन पास किए थे प्रोविंशियल असेंबलीज ने, फिर यहाँ बनाई गई है, और कभी भी वो उस कानून को बनाए हुए पार्लियामेंट के कानून को आइन के आर्टिकल 144 के तहत रिपील भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोविंस से कंसेंट लेके बनाई गई है, और इसको किसी और मिनिस्ट्री में हम रिकमेंड करेंगे, बाकी एज सच हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट में नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल प्रोग्राम्स के बारे में आपकी क्या राय थी? वर्टिकल प्रोग्राम्स तो प्रोविंसेस को चले जाएंगे, वर्टिकल प्रोग्राम्स फेडरल गवर्नमेंट में रखना किसका काम है, हेल्थ तो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे थे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होगी, सीसीआई के प्लेटफॉर्म से होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से होगी, फेडरल गवर्नमेंट में पहले ही प्लेटफॉर्म से इन्होंने बहाना बनाया हुआ है। थैंक यू सर। आपने आज वजारत सेहत के हवाले से, वजारत कौमी सेहत एंड रेगुलेशन के हवाले से जो फाइंडिंग थी वो क्या है? देखिए जी, 2000 जो 18th Amendment आई थी उसके बाद नेशनल कमीशन हेल्थ की जो फेडरल मिनिस्ट्री है वो डिवॉल्व हो गई थी, उसके बाद इन्होंने खुद से ही 2012 में अपने आप को दोबारा सारे अपने डिपार्टमेंट्स डिवॉल्व करने के बाद दोबारा से ले लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेडरेशन में एक लिस्ट है जो 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 मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसमें ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, दीज आर डिवॉल्व सब्जेक्ट्स, ये प्रोविंसेस खुद करेंगे, इसीलिए एनएफसी अवार्ड के तहत उनको पैसे दिए जाते हैं। और फेडरेशन में आपने ये जो डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन की हुई है, इसकी वजह से अवाम के पैसे जा रहे हैं, वो अवाम जिसका आप जिससे आप पैसे लेके जिस अवाम का खून चूस रहे हैं आप, जिस अवाम के चीथड़े आप नोच रहे हैं उनको टैक्सेस लगा के, और वो इस किस्म के डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स जिनका कोई आउटपुट नहीं है माजरत के साथ, जिन दे हैव नथिंग टू शो, एंड व्हाई आर दे एग्जिस्टिंग? सिर्फ नौकरियां देने के लिए, सिर्फ गाड़ियां लेने के लिए, सिर्फ एसीज लगाने के लिए।
मेरी बहुत माजरत है, मगर पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं है। और हमें अब जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है और हमारी कमेटी का काम ही है। मैडम ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि कुछ, देखिए जी 18-17 से बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि इधर तो दर पर्दा बहुत सी चीज़ें, ऑटोनमस बॉडी, सेमी ऑटोनमस, वो एक लंबी लाइन है, तो वो तो बड़ी मेहनत से ढूंढनी पड़ेंगी एक एक, क्योंकि नौकरियां देने का इदारा है हुकूमत, काम नहीं करने का, नौकरियां देने का इदारा है बस। लेकिन इनमें जो मुलाजिम है उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी वो हमारे लिए बड़े इज्जत वाले, देखिए दुनिया में जब भी चीजें छोटी की जाती हैं तो आप उन अपने मुलाजमीन का ख्याल करते हैं, आप उनको दूसरी जगह एडजस्ट करते हैं, जो रिटायर होने वाले होते हैं उनको आप गोल्डन हैंडशेक देते हैं, आप नई भर्तियां नहीं करते, देर इज अ सिस्टम, आप ऐसे नहीं करते कि सबको निकाल दें, उसका एक तरीका देखें जी, वो अब वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इनको बताना, बाकी एग्जीक्यूशन जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने करना है, हम उनकी मुआवनत के लिए यहाँ बैठे। एजुकेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, आपकी एक लंबी लिस्ट है, मिनरल्स, मिनरल्स, मिनरल्स। अच्छा मैडम, मैडम ये बता दे सिर्फ कि 18वीं तरमीम की हम सब रिपोर्टर्स ने उसकी कवरेज की थी, इसका देखिए कुवत हम ही हैं, आप और मैं ही कुवत हैं, हम अपनी कुवत दिखानी शुरू कर दें, दूसरा कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, हम अपना काम करें ना, आप एज अ सहाफी करें, मैं एज अ सेनेटर करूं, तो कौन है जो हमें रोक सकता है, हमारा मैंडेट है ये, आपका मैंडेट, मतलब अपने काम करें ना, सुबह खुद मुख्तारी का आप तहफ्फुज़ करेंगे कमेटी, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हमारी अवाम के हाथ में हुकूमत होनी चाहिए, चंद चीदा चीदा लोगों के हाथों में नहीं, अवाम के हाथों में हुकूमत होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक